लाल गुड्डी जय रामन का जीवन परिचय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जन्म 17 सितंबर 1930 चेन्नई, निधन 22 अप्रैल 2013 चेन्नई। प्रारंभिक एवं पारिवारिक जीवन। श्री लाल गुड्डी जयरामन अय्यर का जन्म 17 सितंबर 1930 को चेन्नई तमिलनाडु के महान संत संगीतकार त्यागराज के वंश में हुआ था। इन्होंने बहुमुखी प्रतिभा के धनी अपने दिवंगत पिता गोपाल अय्यर वी आर से कर्नाटक संगीत का शिक्षा प्राप्त की। उनके पिता ने बड़ी कुशलता से इन्हें स्वयं प्रशिक्षित किया था। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने एक वायलिन वादक के रूप में अपने संगीत कैरियर की शुरुआत की। लाल गुड्डी जयरामन का विवाह श्रीमती राजलक्ष्मी से हुआ। इनके दो बच्चे हैं। इनके बेटे का नाम जी जे आर कृष्णन है और इनकी बेटी का नाम लाल गुड्डी विजय लक्ष्मी है। इनका बेटा और बेटी दोनों अपने महान पिता के नक्शे कदम पर आज भी चल रहे हैं और अपनी प्रस्तुतियों के लिए जाने जाते हैं। आजकल की प्रसिद्ध वीणा वादक जयंती कुमारेश लाल गुड्डी की भतीजी है। समकालीन अन्य संगीत विशेषज्ञों के साथ गायकों के साथ संगत करने के लिए लाल गुड्डी जयरामन की काफी मांग रहती थी और अरिया कुड्डी रामानुजा अयंगर चिम्बई वेदीनाथ भागवतार सेमांद गुड्डी श्रीनिवास अय्यर जी एन बाला सुब्रमण्यम मधुरे मणि अय्यर केवी नारायण स्वामी महाराजा पुरम स्थानम डी के जयरामन एम बाला मुरली कृष्णा टीवी संकरा नारायणन टी एन शेष गोपालन और बांसुरी संकीर्तज्ञ जैसे एन रमानी जैसे महान विशेषज्ञों और गायकों के साथ इन्होंने काम किया। कार्य क्षेत्र कर्नाटक शैली के वायलिन वादक गायक और संगीतकार। लाल गुड्डी जयरामन अय्यर एक प्रसिद्ध कर्नाटक शैली के वायलिन वादक गायक और संगीतकार थे। अपने समृद्ध कल्पना तीव्र अभिग्रहण क्षमता और कर्नाटक संगीत में अग्रणी संगीतज्ञों की व्यक्तिगत शैली को उनके साथ समारोह में जाकर आसानी से अपना लेने की अपनी क्षमता के चलते यह बहुत जल्द अग्रणी पंक्ति के संगीतज्ञ बन गए। संगीत समारोहों से मिले समृद्ध अनुभव के अलावा अपनी कड़ी मेहनत लगन और अपने अंदर उत्पन्न हो रहे संगीत के विचारों को मौलिक अभिव्यक्ति देने की दृढ़ इच्छा के बल पर ये दुर्लभ प्रतिभा के एकल वायलिन वादक के रूप में उभर कर आए। इन्होंने समग्र रूप में वायलिन वादन की एक नई तकनीक को स्थापित किया जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की सर्वश्रेष्ठ अनुकूलता के लिए बनाया गया था और एक अद्वितीय शैली को स्थापित किया जिसे लाल गुड्डी बानी के रूप में जाना जाता है। इनकी सिद्ध और आकर्षक शैली सुंदर और मौलिक थी जो कि पारंपरिक शैली से अलग नहीं थी। इसके कारण इनके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई।
इस बहुआयामी व्यक्तित्व सौंदर्य के कारण इन्हें कई कृतियां इन्हें कई कृतियों जैसे तिलानस वर्णम और नृत्य रचना के निर्माण का श्रेय भी दिया गया, जिसमें राग भाव ताल और गीतात्मक सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण है। इन्होंने वायलिन में सबसे अधिक मांग वाली शैली को पेश किया और रचनाओं की गीतात्मक सामग्री का प्रस्तुतीकरण किया। ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कर्नाटक शैली के वायलिन वादन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। साथ ही इन्होंने वर्ष 1996 में वायलिन वेणु बांसुरी और वीणा के साथ को जोड़ने की एक नई अवधारणा की शुरुआत की और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम कंसर्ट भी किए। देश विदेश में संगीत कार्यक्रम, इन्होंने बड़े पैमाने पर भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपने संगीत की प्रस्तुतियां दी। भारत सरकार ने इन्हें भारतीय संस्कृति प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य के रूप में रूस भेजा था। वर्ष 1965 में एडिनबर्ग त्योहार पर प्रसिद्ध वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन इनके तकनीक से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इन्हें अपना इतालवी वायलिन भेंट किया था। साथ ही इन्होंने सिंगापुर, मलेशिया, मनीला और पूर्वी यूरोपीय देशों में अपना प्रदर्शन किया। वर्ष 1979 के दौरान इनकी नई दिल्ली आकाशवाणी में हुई रिकॉर्डिंग को अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद बगदाद, एशियाई पैसिफिक रोस्ट्रम और इराक प्रसारण एजेंसी में इनके प्रस्तुत रिकॉर्डिंग को विभिन्न देशों से प्राप्त 70 प्रविष्टियों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। इन्होंने बेल्जियम और फ्रांस के संगीत समारोह में भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। भारत सरकार ने अमेरिका एवं लंदन के फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए इन्हें चुना और इन्होंने लंदन में एकल और जुगलबंदी कंसर्ट पेश किया और साथ ही जर्मनी और इटली में भी प्रस्तुति दी, जिसकी काफ़ी प्रशंसा की गई थी। वर्ष 1984 में शेलाल गुडी ने ओमान संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कतर का दौरा किया, जो अत्यधिक सफल रहा। उन्होंने ओपेरा, बेले, जय जय देवी के गीत और संगीत की रचना की, जिसका प्रीमियर वर्ष 1994 में क्लीवलैंड अमेरिका में किया गया और संयुक्त राज्य के कई शहरों में इसे प्रदर्शित किया गया था। अक्टूबर 1999 में लालगुडी ने श्रुति लया संघम इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स के तत्वाधान में ब्रिटेन में अपनी कला का प्रदर्शन किया था। यहाँ संगीत कार्यक्रम के बाद लालगुडी द्वारा रचित एक नृत्य नाटिका पंचेश्वरम का मंथन भी किया गया था। इनकी रचनाएं थिलानस और वर्णम के लिए सबसे प्रसिद्ध श्री लालगुडी जयरामन को आधुनिक समय में सबसे सफल शास्त्रीय संगीतकारों में से एक माना जाता है। इनकी रचनाएं 4 भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत में हैं। वे राग के सभी क्षेत्रों में संगीत रचना करते थे। इनकी शैली की विशेषता है इनकी रचनाओं का माधुर्य ध्यानपूर्वक सूक्ष्म तालबद्ध
का परिष्कृत आलिंगन। इनकी रचनाएं भरतनाट्यम नृत्यांगनाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। पुरस्कार एवं सम्मान। इन्हें वर्ष 1963 में म्यूजिक लवर्स एसोसिएशन ऑफ लालगुडी द्वारा नाद विद्या तिलक से सम्मानित किया गया। भारतीय सोसाइटी न्यूयॉर्क द्वारा इन्हें वर्ष 1971 में विद्या संगीत कला रत्न से भी सम्मानित किया गया। फेडरेशन ऑफ म्यूजिक सभा मद्रास द्वारा संगीत चूड़ामणि से इन्हें वर्ष 1971 में सम्मानित किया गया। वर्ष 1972 में इन्हें भारत सरकार द्वारा अपने नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्हें ईस्ट वेस्ट एक्सचेंज न्यूयॉर्क द्वारा नाद विद्या रत्नाकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1979 में इन्हें तमिलनाडु सरकार और संगीत नाटक अकादमी द्वारा स्टेट विद्वान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1994 में इन्हें मैरीलैंड अमेरिका की मानद नागरिकता भी प्रदान की गई। वर्ष 2001 में इन्हें भारत सरकार द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने वर्ष 2006 में फिल्म श्रीनगरम में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी प्राप्त किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें फर्स्ट जो दैया मेमोरियल लेवल पुरस्कार भी दिया गया। वर्ष 2010 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का सदस्य भी बनाया गया।